हेलो एवरीवन, कैसा है आप लोग। देखिए, मणिपुर गवर्नमेंट एक्सटेंड्स आसपा AFSPA, ठीक है, इन हिल डिस्ट्रिक्ट फॉर 6 मंथ्स। देखते हैं क्या है। द मणिपुर गवर्नमेंट ऑन वेंसडे एक्सटेंडेड द इम्पोजिशन ऑफ आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट आसपा इन द होल स्टेट एक्सेप्ट इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ 19 पुलिस स्टेशन इन 7 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इम्फाल वैली फॉर अनदर 6 मंथ्स। तो ये क्या है, देखते हैं। द डिस्टर्ब एरिया स्टेटस अंडर द एक्ट विल बी, ये कहाँ पर है, मणिपुर में। तो अभी मणिपुर में ये इसकी क्या जरूरत है, ये देखिए, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। आर्म्ड फोर्स को स्पेशल पावर मणिपुर में ऐसा क्या जरूरत है। अभी जो रिसेंटली हमने वीडियो देखा था और मणिपुर में हमने वायलेंस देखा था, उसके रिगार्डिंग की बात हो रही है। ये द डिस्टर्ब एरिया स्टेटस अंडर द एक्ट विल बी मेंटेन मेन एप्लीकेबल इन ऑल द हिल डिस्ट्रिक्ट विच आर डोमिनेटेड बाई ट्राइबल कम्युनिटीज। हाउएवर Since 2022, the ASPA has been gradually withdrawn from the valley districts which are dominated by Mithi community due to significant improvement in the security situation. तो देखो, हमने अभी तो हटाया था यार, क्या कर दिया तुमने। मतलब आप देखो, ये चीज़ हम लोग देखे तो इसमें क्या है, इसमें गवर्नमेंट का भी तो खर्चा बढ़ रहा है, गवर्नमेंट के भी तो खर्चे हो रहे हैं। और वहाँ के अगर लोग रो रहे हैं कि हमारे राइट्स वायलेट हो रहे हैं, वॉर क्राइम्स हो रहे हैं यहाँ पे, या आप देखिए आपकी आर्मी कोई क्राइम कर रही है, तो तुम ऐसा काम ही क्यों कर रहे हो यार। पहली बात तो आर्मी करती नहीं है ऐसा, और दूसरी बात तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो कि आर्मी लगाना पड़े। वहाँ पे आर्मी रहेगी तो सेफ रहोगे, पर क्या ही मैं बोलूँ, अभी तो हटाया था आप देखो, पर फिर से लगाना पड़ रहा है। द स्टेट गवर्नमेंट्स नोटिफिकेशन मेंटेनिंग द स्टेटस क्वो इन इज एप्लीकेबल फ्रॉम अक्टूबर 1। इट कम्स डिस्पाइट द आर्मीज डिमांड फॉर री इम्पोजिशन ऑफ आसपा इन द वैली डिस्ट्रिक्ट आर्गुइंग डेट इट्स एब्सेंस हैड हैम्पर्ड ऑपरेशन अगेंस्ट इंसर्जेंट ग्रुप्स। ठीक है, यहाँ पे आर्मी ने डिमांड किया कि हमें वापस से वहाँ पे भेजो, इंसर्जेंट ग्रुप्स के अगेंस्ट हमारे रहने से वहाँ पे वो लोग एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे थे, अब उनकी एक्टिविटीज तेज हो गई है। आफ्टर अ लल ऑफ मेनी ईयर्स दिस ग्रुप्स आर सेड टू हैव रिगेन्ड द फुट होल्ड इन द स्टेट ड्यूरिंग द करेंट वेव ऑफ एथनिक वायलेंस। तो एथनिक वायलेंस वही आपका मीति के साथ जो हुआ आप देखिए, और ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ हुआ, वही चीज़ है। मोस्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम म्यांमार, दे एडवोकेट दी सक्सेशन ऑफ मणिपुर फ्रॉम इंडिया। चलो, तो ये लाइन मेरे को बता दे रहा है, ये इनका सस्ता नशा चल रहा है, कोई स्टेट इंडिया से नहीं निकल रहा है हमारे। अब तुम नाच लो, गा लो, रो लो, जो करना है कर लो, आर्मी जाएगी, समझा कर आएगी। द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA हैड रजिस्टर्ड अ सुओ मोटो केस ऑन जुलाई 19 टू इन्वेस्टिगेट अ ट्रांसनेशनल कॉन्स्पिरेसी बाय म्यांमार बेस्ड लीडर ऑफ दिस टेरर आउटफिट्स टू वेज अ वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट बाय एक्सप्लॉइटिंग द करंट एथनिक अनरेस्ट। तो जो करेंटली ये सारी चीज़ें हुई है उसी को बोला जा रहा है, और एक्सप्लॉइट करो और मणिपुर को इंडिया से निकालो, यही उन लोग का प्लान है। द स्टेट गवर्नमेंट इज नाउ मलिंग 1 डिस्ट्रिक्ट 1 फोर्स डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज फॉर बेटर ऑपरेशन। अदर देन स्टेट पुलिस अराउंड 40,000 सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस इंक्लूडिंग द आर्मी हैव बीन डिप्लॉयड इन द स्टेट। द नोटिफिकेशन बाय द मणिपुर गवर्नमेंट सेड द डिटेल्ड असेसमेंट ऑन ऑफ द ग्राउंड सिचुएशन कुड नॉट बी डन एज द सिस्टर सिक्योरिटी एजेंसी आर प्रीऑक्यूपाइड इन मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो यहाँ पे सिंपल ये बात हो रही है कि 40,000 सेंट्रल फोर्सेज जा रहे हैं, आर्मी जा रही है वहाँ पे कि वहाँ का कंडीशन ठीक हो, और ये जो एक्सप्लॉइट करने का इन लोगों का प्लान हो रहा है ये सक्सेसफुल ना हो पाए। द नोटिफिकेशन एडेड दैट द इशू ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिस्टर्ब्ड एरिया स्टेटस इज वेरी सेंसिटिव एंड मे लाइकली अट्रैक्ट पब्लिक क्रिटिसिज्म एंड रेजिस्टेंस इफ प्रॉपर केयर इज नॉट टेकन। तो इसलिए यहाँ पे जो क्या चल रहा है, ये बाहर की अंदर की बात बाहर नहीं करेंगे। कीपिंग इन व्यू द अबव एंड द ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द स्टेट एंड द कैपेबिलिटी ऑफ स्टेट मशीनरी द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू मेंटेन स्टेटस क्वो ऑन द प्रेजेंट डिस्टर्ब्ड एरिया स्टेटस इन द स्टेट ऑफ मणिपुर एक्सक्लूडिंग द एरिया फॉलिंग अंडर द 19 पुलिस स्टेशन। तो यहाँ पे जहाँ पे दिक्कत हो रही है वहाँ पे स्टेटस को मेंटेन किया जाए, आर्मी रहे, आफसा लगाया जाए। आम जो हमने एक्ट देखा, द 1958 लॉ गिव्स अनब्रिडल पावर टू द आर्मी। देखिए, अनब्रिडल पावर मतलब एक्सट्रीम पावर टू द आर्मी एंड द सेंट्रल आर्म फोर्सेज CAPF डिप्लॉयड इन द डिस्टर्ब्ड एरियाज टू किल एनी वन एक्टिंग इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द लॉ। तो उनके पास डायरेक्ट ये पावर है, मार डालो जो भी लॉ के खिलाफ जा रहा है। क्यों, हमारे लिए जरूरी है यार, अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई भी सर पर चढ़ के नाचेगा। टू अरेस्ट पीपल एंड सर्च एनी प्रिमाइस विदाउट अ वारंट, किसी को कभी भी अरेस्ट करिए
बिना वारंट के आप उसके घर को सर्च कर सकते हैं, क्योंकि जैसा हमने देखा म्यांमार से यहाँ पे इंसर्जेंसी के इंसिडेंट्स हो रहे हैं और वो बोल रहे हैं हम लोग इंडिया से मणिपुर को अलग करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जरूरत हो जाती है, किसके घर में आर्म्स रखा है, क्या रखा है वहाँ पे, तो हमें तुरंत वहाँ पे एक्शन लेना पड़ता है, इसलिए ये सारी चीज़ें जरूरत हो जाती है। एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोसिक्यूशन एंड लीगल सूट्स विदाउट द यूनियन गवर्नमेंट सेंक्शन, तो यहाँ पे उन लोग को सिक्योरिटी भी मिल रही है ये करने के बाद भी, तो ठीक है ये पावर है, तो वो पावर इसीलिए है कि वो इंडिया का जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको यहाँ पे सिक्योर कर सके। तो देखते हैं, बोथ बोथ द स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट्स कैन इशू नोटिफिकेशन रिगार्डिंग आसपा। करेंटली द यूनियन मिनिस्ट्री एंड होम अफेयर्स हैड इशू डिस्टर्ब एरिया नोटिफिकेशन ओनली फॉर नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। द नोटिफिकेशन फॉर मणिपुर एंड असम हैव बीन इशूड बाय देयर रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। तो चलिए देखते हैं इस आर्टिकल में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है। सबसे पहले तो हमारे लिए ये मणिपुर, मणिपुर कहाँ पर है हमें पता होना चाहिए, उसका एथनिक वायलेंस, ठीक है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। दो कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई हुई, क्यों लड़ाई हुई, ये हमें जानना है। और तीसरा लॉ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और उसके आप देखिए अनब्रिडल्ड पावर आर्मी को क्या मिलता है, CAPF और आर्मी को क्या अनब्रिडल्ड पावर मिलता है कि डिस्टर्ब एरिया में जो डिप्लॉयड होते हैं, तो किल एनीवन इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ, पहला किसी को भी मार दो, टू अरेस्ट पीपल एंड सर्च देयर परमिशंस विदाउट वारंटी वारंट, तो किसी के मतलब बिना किसी वारंट के उसके घर को सर्च कर लो और किसी को अरेस्ट कर लो। प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोसिक्यूशन एंड लीगल सूट्स, तो भाई जो कर रहे हो उसके ऊपर तुमको कोई कोर्ट नहीं ले जा सकता, ठीक है। और देखो यूनियन मिनिस्ट्री होम अफेयर ने किसके लिए किया है, अभी तक नागालैंड अरुणाचल प्रदेश के लिए किया है नोटिफिकेशन, पर यहाँ पर जो मणिपुर की बात हो रही है वो उनके स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, तो ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं। इतनी चीज़ें, ये तीन चीज़ें मोस्टली हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसके सारे जो मेन मेन पॉइंट्स हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, नेशनल इंटरेस्ट के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी भी हैं, अगर नहीं होगी, और आप देखिए एक ये यहाँ पे इतने लोग आए, ये तो फैक्चुअल डेटा है, कोई ऐसा मतलब नहीं है। म्यांमार बेस्ड लीडर ऑफ दिस टेरर आउटफिट एक्सप्लॉइटिंग द करेंट एथनिक, ठीक है, यहाँ पे सो मोटो बार बोल रहा जा रहा है वही किया जाए। तो देखिए बस इतनी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, म्यांमार से दिक्कत है क्योंकि म्यांमार मणिपुर बॉर्डर शेयर करते हैं। तो बस इस आर्टिकल में इतना इंपॉर्टेंट था, थैंक यू एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।